भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की जमीन, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मतदान दल पहुंचे मतदान केंद्रों पर, सुबह 7 बजे से होगा मतदान। दमोह कलेक्टर ने लोगों से की वोट डालने की अपील। दमोह जिला अस्पताल चौराहे पर महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही, बिना सुरक्षा उपकरणों के कराया जा रहा था मजदूरों से काम, हुआ हादसा, दो घायल। बस की छत पर रखी दहेज की सामग्री आई करंट की चपेट में, एक घायल जिला अस्पताल में था। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दो में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जानी है। 26 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। लगातार मतदान दलों को सुबह से ही रवाना किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में लगातार देखने में मिला, जब वह मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में मतदान दलों को रवाना किया गया। सुबह से शाम तक ये प्रक्रिया चलती रही। मतदान दल अपने अपने स्थान पर पहुंचे, जहाँ भी उनको वेबकास्टिंग के माध्यम से जानकारी ली गई। GPS सिस्टम भी लगाया गया है, कई तरह की आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया, बसों में इन्हें रवाना किया गया, सुरक्षा के इंतजाम किया गया, बड़ी संख्या पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस संबंध में हमने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। दमोह कलेक्टर के द्वारा सभी से अपील की गई है कि अपने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा सभी से मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई। उनका कहना कि घरों से निकले वोट अवश्य करें। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से सुबह 7 बजे निकलें, सबसे पहले वोट करें, उसके बाद दूसरा काम करें। किस तरह की व्यवस्था रहेगी ताकि शांतिपूर्ण लोग निर्विघ्न रूप से मतदान करें? आज मतदान दलों को सामग्री का वितरण चल रहा है, जो कि अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। हमारी बसें रवाना होती जा रही हैं। अब ये सभी मतदान दल अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से
और निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसकी दृष्टि से सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि वो कल जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है मतदान करें ताकि हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। और हमारी टीम में आज पूरी रात भी चाक चौबंद रहेंगी, कल पूरे दिन भर हम लोग ट्रेवल करेंगे और पूरे दिन भर जो है दौरा करेंगे। रात को किसी भी प्रकार की अवैध शराब का वितरण, पैसे का वितरण, मुफ्त रेवड़ियों का वितरण, किसी भी प्रकार की इस तरह की शिकायत आने के स्थिति में हम लोग तत्काल कार्रवाई के लिए बिल्कुल सजग हैं। हमारी FST SST टीमें पूरी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करेंगी कि कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो। जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज भी हमने 3 लोगों को निलंबित किया है और ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहेंगी जब तक कि हमारा चुनाव ठीक से संपन्न नहीं होगा। हमने 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि हर सेक्टर में 120 से अधिक हैं, और इसके अलावा पुलिस की सेक्टर मोबाइल है। तो 3 तरह के सेक्टर की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी और तीनों एक साथ जो है लगातार दौरा करेंगी, मतदान केंद्रों को देखेंगी, मॉक पोल वगैरह व्यवस्थित रूप से हो जाए सुबह 5:30 बजे, इसकी भी पूरी निगरानी करेंगी, इसकी रिपोर्टिंग करेंगी, ये सारी जिम्मेदारी इनको दी गई। सर, अतिसंवेदनशील जो मतदान केंद्र है, जितने भी क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र होते हैं वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स अलग से लगाया जाता है जो कि लगाया गया है यहाँ पर, और 876 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ की हम वेबकास्टिंग करा रहे हैं जिससे कि वहां की पूरी स्थिति लाइव यहाँ पर कंट्रोल रूम में हम देख सकते हैं। 3 तरह के कंट्रोल रूम हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, कम्युनिकेशन का कंट्रोल रूम है, एक GPS का कंट्रोल रूम है, एक वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम है, जो कि लगातार काम करेंगे। सर, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे मतदान दल के लिए और मतदाताओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? हर मतदान केंद्र पर टेंट, छाया, इसकी व्यवस्था की गई, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है, और दवाइयां हमने सेक्टर ऑफिसर्स और मतदान दलों के साथ दी हैं। दवाइयां कैसे लेना है उसके वीडियोस जारी किए गए हैं, वो वीडियोस भी उनको दिए गए हैं, और एम्बुलेंसेस हमने यहाँ पर तैनात की हैं। आज भी 2-3 लोगों की तबीयत खराब हुई थी लेकिन वो सब खतरे से बाहर है, हमने त्वरित उपचार उनको दिलवाने का काम किया है, और यही स्थिति सभी मतदान केंद्रों पर भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। दम जिले में उठाईगिरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। युवक दमोह के इमलाई का रहने वाला है जो अपने भांजे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए पिपरौदा गया हुआ था। पिपरौदा के सभी उसका पेट्रोल बाइक में काफी कम था जिसके चलते जब पेट्रोल पंप पहुंचा बाइक में पेट्रोल डलवाया। इसी बीच गाँव के ही कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पहले बताया गया कि युवक के लगभग 17,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। बाद में जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो पता चला कि उसके पैसे किसी रिश्तेदार के पास हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरह का घटनाक्रम है, परिवार के लोगों द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। कहाँ की घटना है? ये ग्राम पंचायत पुराप और ग्राम पंचायत पिपरौदे के बीच की घटना है। पेट्रोल पंप से इसी तरफ
क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई थी कि भाई साहब क्या हुआ, हमारे साली जी आए थे, आज उनके भांजी का जन्मदिन था, भांजे का, तो वो बर्थडे मनाने आए थे। इस बीच क्या हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो बोले यार पेट्रोल डलवा के आते हैं 10-5 मिनट में, 1-2 किलोमीटर दूर है हमारा, और थोड़ा पिपरौदे में अंतर मान के चलो 5-10 मिनट का अंतर है गाड़ी के, तो वहाँ पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल भरवाने गए थे। अब उसी हादसा बीच में हादसा हो गया, ये पता नहीं किसी ने क्या डलवा के आए थे। हाँ, हादसा करी, उन्हें देख लिया, पैसा धरे हैं जी, कैश था उनके पास, कितना? 70,000 करीब थे, 70 से ज़्यादा ही थे, समथिंग मतलब 70,000 से तो ज़्यादा ही थे, कम नहीं थे, इतना तो अनुभव है हमको। तो वो पेट्रोल डलवाने गए, वहाँ से वापस आने वाले थे पेट्रोल डलवा के, रास्ते में पता नहीं किसने ताड़ लिया, किसने जानकारी ले ली, क्या हो गया, गाड़ी रोक के मारपीट की, छीना झपटी की, पैसे बचाने के चक्कर में उसने भी अपना बचाव बीच बचाव किया, लेकिन क्या वो लोग 2-4 लोग थे, जानकारी ऐसी मिली कि 2-4 लोग थे, तो चाकू वाकू मार दिया उन लोगों को। अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल में ही है, यही। कहाँ की घटना है ये? पूरा पायरे की घटना है। घायल का नाम क्या है? उमा शंकर पटेल हमारा। कहाँ के निवासी हैं ये? इमलाई। इमलाई के निवासी। कहाँ गए थे ये? पुरा से इमलाई आ रहे थे। पुरा वो भांजे मतलब भांजे हमारी जीजा के पास आए थे, मतलब हमारे पास आए थे इमलाई से। इमलाई से हमारी ससुराल है इमलाई में। यार कितने पैसे छुड़ा लिए आपको? 70,000। कितने घाव हैं यार? 6-7 इंजरी है उनके पास, अभी प्रेजेंट में यही है, आप देख सकते हो चाकू से हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं यहां पर लूट जैसी भी वारदात नहीं हुई, केवल चाकूबाजी का मामला है। बताया जाता है कि युवक भी काफ़ी शराब पिए थे, साथ ही वहाँ भी जो युवक खड़े हुए थे वह भी काफ़ी शराब पिए थे, जिसके चलते विवाद नहीं हो सकता। दमोह शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक दमोह का अस्पताल चौराहा, जहाँ पर एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक युवक के द्वारा एक महिला को थप्पड़ मार दिया था। ये काफी बड़े गुंडे अपने आप में बताए जाते हैं, बड़े आयु के गुंडे हैं। महिला इस बात से खासी नाराज चल रही थी। आज जब युवक उसे दमोह के अस्पताल चौराहे पर मिल गया, बस फिर क्या था, महिला ने पहले जमकर खरी खोटी सुनाई, फिर चप्पल से दे धनादन कर दिया। गुंडा जो था वो भागने का प्रयास करता रहा, पता लेकिन महिला के पति के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। उसने भी अपने हाथ साफ कर लिए। बताया जाता है कि पकड़े गए युवक के द्वारा उसके पति के साथ भी मारपीट की गई थी, महिला से भी मारपीट की गई, जिसके बाद महिला में काफ़ी आक्रोश दिखा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। दमोह के अस्पताल चौराहे पर दे दनादन, जमकर चप्पल चली है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बीच चौराहे पर एक युवक की महिला के द्वारा चप्पलों से पिटाई की गई। हम भाई जाए।
है। हुआ के हमारी औरत चप्पल लेने आई, जो बड़े आऊ के गुंडे हैं, इनके भाइयों की लड़ाई हुई, मुझे मालूम नहीं था, मेरी औरत को इसने मारा और मुझे भी मारा और इधर भी मारा और इधर भी मारा। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? अब मुझे नहीं है मालूम, इसके भाई की और उसके भाई की चाय पे से लड़ाई हुई। ये उसके घर का मैं, क्या नाम है इनका? इसका नब्बू नाम है। नहीं, आपकी वाइफ का क्या नाम? शाही नाम है उसका। कहाँ रहते हो? जी हम जटा शंकर कॉलोनी रहते और जे रहते हैं बड़े आऊ। ये मैसेज है तुम्हारा? संजय सरवरी, लखीडी सी न्यूज। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोदिया थाने की जलपुन्नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े लोगों को चपेट में लिया। खास बात यह कि जब ये वाहन दुर्घटना हुई, इसी बीच बोलेरो में बैठे लोग भी घायल हुए, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगाए गए, जिसके चलते बोलेरो में बैठे लोग भी सीटों से या फिर आगे डैशबोर्ड से टकराए। इस घटना में ड्राइवर भी घायल हुआ है, वहीं सड़क किनारे खड़े लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? राम सही भक्त। कहाँ के रहने वाले हो? मजुआ पटेल। आप लोग कितने लोग थे, क्या हुआ है? हम लोग नीतू, हमारी बहन नीतू और मैं राम सही भक्त पटेल, कोहा के पेड़े के छाने खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। जीप वाला आया, उसने गाड़ी हम कहाँ की घटना है? ये समन नटगट्टा पेट्रोल पंप। कितने लोग घायल हुए? हम लोग दो जने खड़े थे, पांच लोग जीप में थे, जो पांच छह लोग जीप में थे वो घायल हैं, हम लोग रोड पर खड़े थे। क्या नाम है भाई आपका? राम। कहाँ की रहने वाली हो? मोहम्मदरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थी, क्या हुआ है? दमोह आ रहे थे, बाहर जाने के लिए आधार कार्ड निकाल, क्या हो गया था? हम तो सर से उठ रहे हैं, हमको पता नहीं। कहाँ से थे आप लोग? मार्शल। कितने लोग थे मार्शल में? मार्शल में कितने जन होते हैं? पांच जन है। कितने लोगों को चोट आई है? हमें आई, वो बैठी है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है, हालांकि लगातार चुनावी व्यस्तताओं के बीच अभी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह जिला का शिक्षा विभाग नए नए कारनामों में लिप्त पाया जाता है, लेकिन शिक्षा से वह हमेशा ही दूर रहा है। मुख्य काम छोड़कर से इस गाँव में लगातार वह लगा रहता है, चाहे ट्रांसफर उद्योग की बात की जाए, चाहे कमीशन की बात की जाए, चाहे रमसा में जो गड़बड़ झाले हुए हैं उन्हें छुपाने की बात की जाए। लगातार कमीशन के जाल में
जिला शिक्षा विभाग जकड़ा हुआ है, जिसके चलते लगातार शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल होते चले जा रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो परिणाम रहा है, दमोह में 91वें और 92वें पायदान पर दमोह जिला रहा है, जिससे पता चलता है शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। शिक्षा विभाग की पोल तब खुल जाती है जब दमोह जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा, जिसके चलते छात्र छात्राएं अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे हुए हैं। ताजा मामला सामने आया जहां पर दो छात्राएं जो कक्षा 10वीं की है, बताया जाता कि एक छात्रा फेल हो गई है जबकि दूसरी छात्रा को सप्लीमेंट्री आई है। दोनों छात्राओं के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, जिससे परिवार में काफ़ी रोष व्याप्त है। उनका कहना कि सालों में पढ़ाई नहीं होती, बच्चे आखिर कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में हमने परिजनों से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। आंटी क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ की रहने वाली हो? पर्यटन। कौन है आपकी? लड़की। क्या हो गया इन्हें? कहाँ पढ़ती थी? कहाँ पढ़ती थी? गांव में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी? क्या हो गया? 10वीं सप्लीमेंट आ गई तो। कौन सी क्लास में आ गई? 10th। कहाँ पढ़ती थी? गांव में। कौन से गांव में? कौन से स्कूल में पढ़ती थी? शासकीय स्कूल। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत लगातार उठाईगिरी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को गुंडा टैक्स देना पड़ रहा है। शासकीय कर्मचारी अगर गुंडा टैक्स नहीं देते तो उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। ताजा मामला भू अभिलेख विभाग के एक भ्रत के साथ सामने आया। बताया जाता है कि लगातार उससे पैसों की मांग की जाती रही। गुंडा टैक्स के रूप में वह 20,000 रुपये दे चुका है, उसके बाद 3,000 रुपये पुनः दे चुका है, अब 7,000 की मांग की जा रही है। पैसा न देने पर भ्रत के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। दमोह जिला अस्पताल ये भ्रत पहुंचा है, जिसका स्पष्ट आरोप है कि अगर पैसे नहीं दिए जाते तो जान से मारने की धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से भ्रत गुंडा टैक्स से परेशान है। शासकीय एम्प्लॉय होने के बावजूद भी किस तरह से उससे गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी। कहाँ के रहने वाली हूँ? कोटेरा वार्ड नंबर 2। क्या हो गया आपको? सर मुझे योगी राज धमकी देते रहते हैं और सीधा पैसा मांगता है। पहले 20,000 रुपये खर्च चुका है और अभी 3,000 इसी महीने 2-3 महीने पहले लिया था, अब बोल रहा है 7,000 और दो, नहीं तो जान से मार देंगे बोल रहा है। कल 3-4 लड़के को साथ में लेके मुझे चोट कर दी सर, मेरी हाथ माथ में और लग गई और यहाँ चेहरे में। क्या करते हैं आप? मैं वो अभी जैसा काम व्यस्त के पद पर। किस वजह से मारा है? सर बस जैसा खाना मुझे पैसा चाहिए। कौन है ये? ये मल्लपुरा का रहने वाला है, नया बाजार नंबर 5 का योगी राजहरवाल। किस वजह से मांगता है वो पैसे? क्या फालतू खर्चा गुंडागर्दी चाहिए। धमकी देता है, फोन पे देता रहता है, हर दिन एक दिन कलेक्टर के सामने मुझे कहाँ कलेक्टर से लेके ले गया था किला, एक बोलते हैं क्या बोलते गदागंज, वहाँ ले जाकर मुझे चोट की थी सर। उसकी गवाह हमें एक लड़का विक्रमराज और 2-3 लड़के और वहीं के हैं रहने वाले। दमोह शहर में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, खुलेआम गुंडा टैक्स लिया जा रहा है और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज, दबाव। दमोह के सेमरा से एक बारात भोपाल गई हुई थी। बारात वापस आई तो दहेज का सामान भी आया, बस के ऊपर सामान रखा हुआ था। गांव में बिजली के जो तार थे वो नीचे थे, जिसके चलते तार को ऊपर करने के लिए दो युवक चढ़े, एक युवक आगे और एक युवक पीछे। पीछे जो युवक था उसका तार करंट के तार से टच हो गया, उसे गंभीर रूप से करंट लग गया, जिसके बाद उसे
दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि दहेज में काफ़ी सामान मिला था जो करंट के तारों से टच हो रहा था। सामान को बचाने के लिए दो युवक ऊपर चढ़े थे, एक युवक को करंट लग गया जिसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में अन्य बारातियों से हमने चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितवर है। कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरवाड़ी। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? अल्लू अठिया। क्या कर रहे थे, क्या हो गया? ये बारात की गाड़ी निकल रही थी तो वो ऊपर सामान रखा था, वो फंस रहा था तो इसने डोरी उठाई ऊपर से तो वो कट पकड़ में आ गया। कहाँ की घटना है ये? सवोरिया। कहाँ से कहाँ बारात जा रही थी? भोपाल से आई थी तो रिटर्न हो रही। कहाँ से आई थी बारात? बारात आई थी भोपाल से, सगोरिया गांव से गाड़ी करा मौके वापसी हो रही थी। कैसे करंट लग गया इनको, क्या कर इनको करंट? जो ऊपर सामान वगैरह लगेज तो बस्ती की जो डोरिया वो नीचे थी तो कई जगह से हम लोग ऊपर करते करते आए। ठीक है, एक जगह की मतलब मैं भी आगे था ये पीछे थे तो मैंने लकड़ी से कर दिया, ये पीछे थे तो मैं देख नहीं पाया, कट था तो नीचे डायरेक्ट शरीर में टच हुआ तो सीधा ये वहां से फिर गए नीचे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा नए विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, साथ ही लाइन भी डाली जा रही है। गांव-गांव में ये काम चल रहा है। इसी बीच दमोह के बांदकपुर आनू के बीच भी ये काम चल रहा था जहां पर सुरक्षा के बिना उपकरण के मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच विद्युत पोल के ऊपर से दो मजदूर गिरे हैं जिन्हें गंभीर चोट आई है। दमोह जिला अस्पताल में इन्हें दाखिल कराया गया जहाँ इनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसमें पहले तो क्वालिटी नहीं है, दूसरा मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ा हादसा था जिसमें दो मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों का उपचार तो जारी है लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी साइट पर जाकर विजिट क्यों नहीं करते, किस तरह की सुरक्षा के इंतज़ाम हैं? ऐसे मजदूरों की जान भी जा सकती थी। किस तरह से ठेकेदारों ने घटना को छुपाने का प्रयास किया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन के भाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? आनू। ये कौन है आपके? ये काम करते, मैं भी आज काम कर रही आए थे। कहाँ काम कर रहे थे लोग? ये बांदकपुर और आनू के बीच में सड़क मर गया है। काय का काम करते हैं? और ये गुरु है ठेके। काय का काम करते हैं? ये खम्बा भीड़ खड़ी कर रहे थे खम्बा की। कितने लोगों को चोट लगी, कितने लोग गिरे हैं, कैसे क्या हुआ? दो के लिए हम छूट गए हमारे हाथ में से खम्बा। कितने लोग गिरे हैं? दो। क्या नाम है दोनों के? एक का लखन पटेल और एक का रखवाया, उसका नाम को बता दूंगा। काय का काम चल रहा था? क्या काम कर रहे थे लोग? एमपीडी का खम्बा निकाल रहे थे, उसमें एक दो लोगों ने पोल को छोड़ दिया, जो लोग पकड़े रहे तो वो 8-10 फुट ऊपर जाके सटक गए नीचे, ये हो गया। कितने लोग घायल हुए? दो लोग। आप ठेकेदार हैं, आप इनको काम करवा रहे हैं, सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं रहती? सेफ्टी क्या कर सकते हैं आप बताइए, तो उसको तो पकड़ के ही कर रहे हैं, गड़े करते हैं झूला। नहीं तो खम्भे पे थोड़ी चढ़े थे, खम्भे पे नहीं गिरे तो खम्भे ही से, वो बता रहे हैं खम्भे पे नहीं चढ़े थे। कहाँ चढ़े थे? खम्भा निकाल रहे थे 20 फीट ऊपर से निकाल रहे थे। नहीं जा रहा, मेरे नीचे जमीन से निकाल रहे थे खंबा को पकड़ते समय हुए हादसा हो गया। ऐसे में देखने लायक होगा मजदूरों को कितना उपचार मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मतदान दल पहुंचे मतदान केंद्रों पर, सुबह 7 बजे से होगा मतदान। दमोह कलेक्टर ने लोगों से की वोट डालने की अपील। दमोह जिला अस्पताल चौराहे पर महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही, बिना सुरक्षा उपकरणों के कराया जा रहा था मजदूरों से काम, हुआ हादसा, दो घायल। बस की छत पर रखी दहेज की सामग्री आई करंट की चपेट में,
एक घायल जिला अस्पताल में था। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मिहोस, इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मिहोस। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।